हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूँ मिस्टर रावण पे। और आज हम वापस आ गए हैं फिर से आपके बीच एक और अमेजिंग डेली टेक न्यूज़ का एपिसोड लेके। उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी डेली टेक न्यूज़ पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बाकी शुरुआत करते हैं रियलमी से आज की टेक न्यूज़ की। रियलमी लेके आ रहा है अपना नार्जो 30 और उसमें कंफर्मेशन आ गई है कि उसके अंदर आपको रियर में 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। कंपनी ने अभी ऑफिशियली सैंपल्स भी डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। बाकी ये अमेजिंग लग रहा है काफ़ी, क्योंकि ये एक बजट रेंज में आने वाला है और काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है रियलमी की तरफ से। यहाँ जो कुछ सुना और देखा वो राज तुम्हारे होठों के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हाँ जी दोस्तों, जिस चीज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल हमारे बीच आ गया है, यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के प्री रजिस्ट्रेशन डेट पता चल गई है और वो डेट होने वाली है 18 मई। दोस्तों आप अपने जाके प्ले स्टोर पे जाके, अपने ऐप स्टोर पे जाके रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को और जल्दी ही आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर। दोस्तों मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया हूँ, आज ही उनका ट्रेलर आया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ट्रेलर भी खुद ही में। और मुझे पर्सनली मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आएगा मज़ा दोस्तों। अगली खबर आ रही है पोको की तरफ से। पोको का जो पोको M3 Pro था, लॉन्च से पहले ही उसका प्रोसेसर पता चल गया कि इसके अंदर आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। उसके अंदर आपको डायमंड सिटी का 700 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि रेडमी नोट 10 5G वर्जन में था और ये शायद उसी का रीब्रांड फ़ोन हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा फ़ोन रीब्रांड होकर आपको पोको M3 Pro देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाकी 19 मई को पता चलेगा कि आपको क्या को मिलता है पोको M3 Pro में। दोस्तों अगली खबर है Redmi की तरफ से। Redmi का जो Redmi Note 8 था उसका अब 2021 वाला एडिशन आने वाला है और काफ़ी अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। Redmi Note 8 था वो काफ़ी अच्छा था, बाकी उम्मीद यही करते हैं कि Redmi Note 8 2021 का जो वर्जन होने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा हो। दोस्तों अगली खबर आ रही है Google की तरफ से। Google की जो Pixel सीरीज़ होने वाली, यानी कि 6 सीरीज़ होने वाली है, वो IO इवेंट से पहले उसके रेंडर्स लीक्स हो चुके हैं और देखने में कमाल के लग रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं पीछे कैमरा देख सकते हैं, पूरी बैक में कैमरा गया है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का पूरा कैमरा है दोस्तों, काफ़ी कमाल लग रहा है। मुझे पर्सनली पिक्सल के फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो कैमरा सेंट्रिक होते हैं, कैमरा उनका सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। बाकी देखते हैं हमें गूगल पिक्सल 6 और 6A में क्या देखने को मिलता है IO इवेंट में। दोस्तों अगली खबर है वीवो की तरफ से। वीवो की तरफ से थोड़ी सी राहत देखने को मिली है उसके इंडियन कस्टमर्स को, क्योंकि वो अपनी वारंटी है एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस चला हुआ है, लोग कहीं जा नहीं सकते और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वीवो यूज़र्स के लिए। और वीवो को मैं मतलब सल्यूट करता हूँ कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। दोस्तों अगली खबर आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का जो नोट 10 प्रो है जो 5 कैमरास के साथ आने वाला था फ़ोन, वो लॉन्च हो चुका है और देख के काफ़ी कमाल लग रहा है। और उसका जो छोटा भाई है वो भी लॉन्च हो चुका है, यानी कि नोट 10 वो भी लॉन्च हो चुका है, दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नोट 10 प्रो में आपको हीलियो का G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है, नोट 10 के अंदर आपको G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है और आपको नोट 10 प्रो के अंदर 5 कैमरास देखने को मिलते हैं और काफ़ी कमाल लग रहे हैं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन। बाकी उम्मीद यही करते हैं कि इन्फिनिक्स इसमें अपडेट्स वगैरह टाइम से दे। बाकी यहीं पे हमारी टेक न्यूज़ ख़त्म होती है। आप सबको हमारी टेक न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बाकी आप सबका दिन मंगलमय हो।